बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? आप लोगों के मजे आ रहे हैं बहुत हैं ना? उर्दू ना इस्लामियात ना इंग्लिश, ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। अब फिजिक्स में पूरे नंबर लेकर आना, 100 में से 100। पैटर्न वो 2 घंटे वाला है, पैटर्न वही 2 घंटे वाला है। हाँ, अभी तक तो यही है। अभी कुछ वो कुछ बम फूट जाए तो पता नहीं क्या होगा। बारह अभी तक यही है। हाँ, अभी तक ये कंफर्म है। और प्रैक्टिकल का अभी कंफर्म नहीं है। प्रैक्टिकल 50-50। नहीं नहीं यकीन कर लो। अबे हालात ऐसे है ना बेटा, मजबूर है, गवर्नमेंट भी मजबूर है। अच्छा बेटा, आखिरी टॉपिक के आखिरी न्यूमेरिकल, इसके बाद योम निजात है। हाँ कंफर्म है बेटा, घबराना नहीं है। हाँ घबराना नहीं है बस। अच्छा भाई देखो, आज मैं आपको आखिरी टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो मैं करवाने जा रहा हूं। उसके बाद कोर्स खत्म है, जितना सिलेबस था हो गया कंप्लीट। अगर आप कहेंगे तो कल मैं आपको जो मॉडल पेपर है उसका एमसीक्यूज तो सॉल्यूशन दे चुका हूं, मॉडल पेपर की कल क्लास रख लेते हैं आखिरी, अगर आप कहेंगे, वरना आज आखिरी क्लास है। जैसे आप कहें, क्लास रखनी है, मॉडल पेपर सॉल्व करना है तो बता दीजिए। 2 बच्चे कह रहे रख लें, ओके। तो एमसीक्यूज और सब कुछ रिड्यूस से करना है। अच्छा, एमसीक्यूज के सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते ग्रुप में शेयर कर दिया था। शॉर्ट और लॉन्ग हम कल डिस्कस कर लेंगे। नोट्स अपने पास सामने रख के बैठिएगा, कल इंशाल्लाह आखिरी क्लास होगी। आज थ्योरी की आखिरी क्लास है, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कराने के लिए पहले मैं आपको दोबारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम समझाऊंगा तो न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ये है बेटा ऑब्जेक्टिव, ये हो गया पीओ, ये हो गया क्यूओ, ये जो इमेज आई है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो ये ई फॉर आईपीस, आईपीस का ऑब्जेक्ट, और ये आईपीस के लिए इमेज। ये इमेज कहां पर बनता है? फाइनल इमेज आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर, इसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। याद आया? ये है एफई, दोनों लेंसेस के दरमियान का डिस्टेंस एल कहलाता है। जल्दी बताइए, डायग्राम समझ में आ गई आप लोगों के?
कौन सी चीज क्या है? मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है वो मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला है। दो न्यूमेरिकल आज मैं आपको तरीके से कराऊंगा इंशाल्लाह, ताकि जो कमी रह जाए पहले में दूसरे में कवर हो जाए। इसके बाद इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, अल्लाह ने चाहा तो। बुक निकालें, बुक का न्यूमेरिकल नंबर 9, पेज नंबर 349। बुक पेज नंबर 349, न्यूमेरिकल नंबर 9। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज 12 मिलीमीटर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है 12 मिलीमीटर। परेशान नहीं होना, पूरा सवाल मिलीमीटर में सॉल्व करेंगे, हमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड 75 मिलीमीटर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। और आईपीस की फोकल लेंथ है 75 मिलीमीटर। रिमेंबर दैट तमाम यूनिट्स मिलीमीटर में होंगी या तमाम सेंटीमीटर में होंगी। अगर कुछ मिलीमीटर में हो, कुछ सेंटीमीटर में हो, तो या तो मिलीमीटर वाली को सेंटीमीटर कर लेना या सेंटीमीटर वाली को मिलीमीटर कर लेना। सबका एक यूनिट होना जरूरी है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 12 है, आईपीस की 75 है। एंड द टू लेंसेज आर माउंटेड 200 मिलीमीटर अपार्ट। एंड द टू लेंसेज, और ये दो लेंसेज 200 मिलीमीटर अपार्ट, 200 मिलीमीटर दूर हैं। दिस इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। जी बच्चों, डेटा समझ में आ रहा है? अच्छा, इफ द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, इफ द फाइनल इमेज इज 225 मिलीमीटर, फाइनल इमेज फ्रॉम द आईपीस, आईपीस से फाइनल इमेज इतना डिस्टेंस पर है, फाइनल इमेज, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? परेशान नहीं हो, समझा रहा हूं। मेरा बेटा, मैंने कहा कि फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर दूर होती है। पिछले हफ्ते कहा था, अभी कहा दोबारा। पच्चीस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, कितना बनता है? 250 मिलीमीटर। अगर ना दिया हुआ हो सवाल में तो आपने डी इतना लेना है, 250 मिलीमीटर या 25 सेंटीमीटर। लेकिन इन्होंने इस सवाल में अपनी मर्जी का डी दिया है, थोड़ा कम है, 250 से थोड़ा कम है, 225 मिलीमीटर। तो जो वो देंगे वो हमें लेना पड़ेगा। जो डी होता है वही फाइनल इमेज होता है, क्यू ई। क्लियर है यहां तक? ये पॉइंट समझ आ गया बेटा? अगर ना दे तो फिर आप 250 मिलीमीटर या 25 सेंटीमीटर लेंगे।
सही है। देखो तीन काम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल में, तीन काम करने। अगर ये काम तुम लिख लो तो तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। पहला काम, मोहम्मद अमान जब नेगेटिव लेंगे या लेना होगा मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं, मैं बताऊंगा। पहली बात, पहला काम, फॉर्मूला लिखें। और जो जो पता है वो डाल दो। पहला फार्मूला लिखा, क्यू नॉट पी नॉट पता नहीं है, नहीं पता छोड़ दिया, डी पता है 225, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पता है 75, 225 को 75 से डिवाइड किया जवाब आया 3, मशीनें तुम्हारे पास है चेक कर लो 3 जवाब आएगा, 3 में 1 जमा किया 4 जवाब आएगा, ये 4 जाकर मल्टीप्लाई हो गया 4 क्यू नॉट अपॉन पी नॉट। पहला स्टेप समझ आ गया सब बच्चों को? देखो बच्चे हर सवाल में तुम्हें यही करना है, मगर हर सवाल में जरूरी नहीं है कि ये क्यू नॉट और पी नॉट ना पता हो, कभी ऐसी नहीं पता होता, ये भी होता है। तो कहने का मकसद यह है कि जो जो डेटा में पता है वो सब डाल दो, तुम्हें दो चीजें ऐसी तुम्हारे सामने आएंगी जो तुम्हें नहीं पता होंगी, वो तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएंगी जब तुम तमाम वैल्यूज डालोगे तो तुम्हारे सामने मालूम हो जाएगा कि तुम्हें क्या नहीं पता, क्यू नॉट नहीं पता और पी नॉट नहीं पता, ये निकालना है। अच्छी तरह समझ लो, पहला काम फॉर्मूला लिखकर वैल्यूज डाल दो, जो नहीं पता होगा वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छी तरह बताओ। ओके, आगे सुनो। तुम लोगों को लेंस फार्मूला पढ़ा है ना, वन अपॉन एफ वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू। अब तुमने हर सवाल में करना यह है कि ये लेंस फार्मूला ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए भी यूज करना है, आईपीस के लिए भी यूज करना है, दोनों के लिए यूज करना है हमेशा। मगर पहचान बता रहा हूं, किसी न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव का पहले यूज करना है, आईपीस का बाद में यूज करना है, किसी न्यूमेरिकल में आईपीस का पहले यूज करना है, ऑब्जेक्टिव का बाद में। अब मैं तुम्हें क्या एक चीज बताऊं कि तुम पहचानो, डेटा को गौर से देखो, डेटा को गौर से देखो और बताओ मुझे ऑब्जेक्टिव और आईपीस में कौन से लेंस के लिए दो चीजें पता हैं। मुझे एफ ई पता है, मुझे क्यू ई पता है, तो डेटा तुम्हें बताएगा कि ऑब्जेक्टिव या आईपीस, हाँ ऑब्जेक्टिव और आईपीस में कौन सा फार्मूला पहले इस्तेमाल करना है। तो इसमें दो चीजें किसकी दी हुई है, आईपीस की दी हुई है,
तो तुम्हें आईपीस के लिए पहले फार्मूला लगाना है, हर सवाल में ऐसा ही होगा, हर सवाल में आईपीस लगाना है ये नहीं कह रहा, हर सवाल को डेटा में देखो, जिस जिस लेंस की दो चीजें दी जाएं वो फार्मूला पहले। आईपीस फॉर्मूला 1/FE = 1/PE + 1/QE। वन अपॉन 75 पीई पता नहीं है, क्यूई कितना है। अब सुनो सब बच्चे गौर से, आईपीस ये जो लेंस होता है ये वर्चुअल इमेज बनाता है, याद आया, आईपीस वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, जो अमान जो बात कह रहा था। तो अब सुन लीजिए, आईपीस में इमेज का डिस्टेंस माइनस में लेंगे, सिर्फ इमेज का डिस्टेंस बस, आओ वो भी लेंस इक्वेशन में, बस आईपीस के लिए और कुछ नेगेटिव नहीं लेना। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? वन अपॉन 75 माइनस ये इधर आया प्लस 1/225 बराबर 1/PE। एलसीएम आ गया 225, 75 थ्रीज आर 225, 3 1 आर 3, 225 कैंसिल बचा 1, बेटा ये समझ में आ गया, एलसीएम समझ आया बच्चों? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, ओके प्रॉब्लम नहीं है। 3 + 1 = 4, 4 उल्टा करो, ये 4/25 है, 25 ऊपर 4 नीचे, यहां पीई ऊपर गया, बेटा कितना आंसर आया बच्चों? 57 मुझे याद पड़ता है, पिछले साल कराया था, ऐसे कुछ बनता है शायद, 56.25। हाँ बच्चों यहां तक समझ आया? दो काम मैंने बताया, डेटा बनाया, पहला काम है फार्मूला लिखकर वैल्यूज डालना, जो दो चीजें नहीं पता होंगी तुम्हारे सामने आ जाएंगी, उसके बाद तुमने लेंस फार्मूला लिखना है, यूज करना है, ऑब्जेक्टिव का भी हो सकता है, आईपीस का भी, जिसकी दो चीजें पता हो। मुझे यहां दो चीजें आईपीस की पता थी तो मैंने आईपीस के लिए फार्मूला अप्लाई किया, मुझे उससे पीई मालूम हो गया, ठीक है। उसके बाद लेंस फार्मूला लगाने के बाद हमेशा L का इस्तेमाल होगा। L किसके बराबर है? Q0 + PE। दिख रहा है बेटा? Q0 + PE बराबर है L। L गिवन है 200, क्यू नॉट पता नहीं, पीई आ चुका है 56.25।
ये 56.25 यहां जाकर माइनस कर दोगे 143.75 मिलीमीटर क्यू नॉट आ गया। क्या तुम्हें भी समझ में आ गया? एक मिनट दे रहा हूं, यहां तक लिख लो। हाँ बच्चों, कॉपी कर लिया है? जगह खत्म हो गई है इसलिए मैं ये हिस्सा मिटा रहा हूं। ये इक्वेशन नंबर वन याद रखना है, 4Q0/P0। क्यू नॉट आ चुका है। हाँ भाई, अब तुमने आखिरी काम जो करना है वो ऑब्जेक्टिव का फार्मूला। मैंने आपसे क्या कहा था, पहले आईपीएस का फार्मूला अप्लाई किया, फिर एल का, फिर ऑब्जेक्टिव का। किसी और सवाल में ये हो सकता है कि पहले ऑब्जेक्टिव का, फिर एल, फिर आईपीएस। एल हमेशा बीच में सॉल्व होगा, ऑब्जेक्टिव और आईपीएस के बीच में एल सॉल्व होगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? हाँ। और पहले कौन सॉल्व होगा? वो डेटा में जिसकी दो चीजें पता होंगी, वन अपॉन एफ नॉट, वन अपॉन पी नॉट, वन अपॉन क्यू नॉट, वन अपॉन एफ नॉट, 1/12, पी नॉट नहीं पता, क्यू नॉट 56.25। ये उधर ये प्लस है। एक ही चीज माइनस में लेते हैं, वो आईपीएस का होता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में कुछ माइनस नहीं होता, ये प्लस का उधर जाएगा। आई एम सॉरी, बच्चों ने बताया कि भाई ये 56.25 नहीं है सर, ये है 143.75। अच्छा, अब इसका एलसीएम क्या लें बेटा? जब एलसीएम नहीं समझ में आ रहा हो, दोनों को एलसीएम में लिख लो, दोनों को। दोनों 12 से 12 कैंसिल हुआ, बचा 143, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 143.75 माइनस 143 से 143 कैंसिल हुआ, बचा 12। हाँ भाई, समझ आई बात या नहीं?
अब जरा मशीनें निकालो, ऊपर वाले का आंसर तो आएगा 131.75। इनको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। इसको इसको मल्टीप्लाई 1725। ओके थैंक यू। अब तुम्हें पी नॉट चाहिए, उल्टा करो 1725, 131.75। इसको उल्टा करो पी नॉट। माजरत के साथ ये मिटा रहा हूं। बच्चों बताओ पी नॉट कितना आया, 13.09 मिलीमीटर। पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन हमने जो बनाई थी पहले, 4Q0/P0, 4 क्यू नॉट था 143.75, पी नॉट है 13.09, आंसर आया 44। ये मैग्निफिकेशन आई बेटा, इसको राउंड ऑफ कर ले, 43.9 आ रहा है ना, तो 44 हो जाएगा। ये एक सवाल है, एक सवाल मैंने कराया, समझ रहे हैं आपको 50% समझ में आया, अभी दूसरा कराऊंगा इंशाल्लाह 100%। बस जी बच्चों अगला सवाल करें, एक सवाल और कराता हूं, आखिरी पेज बुक का पेज नंबर 350, न्यूमेरिकल नंबर ट्वेल्व। ओके तुम देखना, इसमें आप लोग खुद जवाब देने काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव विद अ फोकल लेंथ 10 मिलीमीटर। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 10 मिलीमीटर एंड आर ट्यूब 100 मिलीमीटर लॉन्ग। और जो ट्यूब है वो 100 मिलीमीटर लॉन्ग है। क्या दिया भाई ये ट्यूब, कौन सी ट्यूब है भाई? शाबाश हमना आसिम ने सही जवाब दिया। ये एल है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है, इसको ट्यूब की लेंथ कह दो। एन इमेज is produced 250 millimeter from the eyepiece, eyepiece से image 250 millimeter पर बनता है। अगर वो ना देता तब भी हम 25 सेंटीमीटर लेते, यानी 250। अब उसने दिया हुआ है,
पिछले सवाल में 225 था, इसमें ये 250, सही। फ्रॉम द आईपीस, फाइनल इमेज फ्रॉम द आईपीस बन रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 12 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस से 12 मिलीमीटर हो, क्या दिया हुआ है? वॉट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड? फाइनल इमेज दिया हुआ है और इनिशियल ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव से कितना दूर है वो दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन निकालनी है। हाँ भाई, पहला काम फॉर्मूला क्यू नॉट पी नॉट डी एफ ई प्लस वन। क्यू नॉट नहीं पता, पी नॉट पता है, डी पता है, आईपीस की फोकल लेंथ नहीं पता है, वन पता है। मैंने कहा था ना, दो चीजें हमेशा आपके सामने आएंगी जो नहीं पता होती। पिछले सवाल में वो दो चीजें ये थी, इस सवाल में वो दो चीजें ये हैं। जी बेटा, कॉन्सेप्ट समझ आया? ओके। अच्छा आप बताओ, मैं लेंस फार्मूला, हाँ हर सवाल में ऐसे ही होगा, हर सवाल में ऐसे ही होगा। अरीबा समझ गई मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं? अरीबा समझ गई, रमशा भी समझ गई, आसिया भी समझ गई। मैं ये पूछ रहा हूं लेंस फार्मूला किसके लिए लगाऊं, ऑब्जेक्टिव के लिए लगाऊं, आईपीस के लिए लगाऊं, ये कैसे पहचानते हैं? पहले कौन सा लगाऊंगा, ऑब्जेक्टिव या आईपीस, कैसे पहचानते हैं? दो चीजें दी हो, दो चीजें, ऑब्जेक्टिव की दो चीजें पता है, शाबाश, बहुत आसान है। तो मैं पहले ऑब्जेक्टिव का फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट्स ऑल, डजंट मैटर। तो मैं यहां लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला है 1/FO, 1/PO, 1/QO, 1/10 बराबर 1/12 प्लस 1/Q0, 1/10 माइनस 1/12 बराबर 1/Q0। एलसीएम आ गया 60, 10 6 60, 12 5 60, 1/60 बराबर 1/Q0, क्यू नॉट बराबर 60 मिलीमीटर। हाँ भाई, समझ में आई बच्चों? अब क्या करूं, अब आईपीस का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं? नहीं, अब एल यूज करेंगे, दोनों लेंस के फार्मूलों के बीच में एल आएगा। एल बराबर है क्यू नॉट प्लस पी नॉट। एल दिया हुआ है 100, क्यू नॉट आया 60, सॉरी ये पीई है, क्यू नॉट और पीई, क्यू नॉट है 60, 100 में से 60 माइनस हो गए, ये आ गया पीई। एक मिनट दे रहा हूं, कॉपी कर लो यहां तक।
जी बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों ने और बच्चियों ने इसको आगे भी सॉल्व कर लिया होगा। भाई पी आ गया, अब ऑब्जेक्टिव के बाद आईपीस का फार्मूला लगाएं। आईपीस का फार्मूला वन अपॉन एफ ई, वन अपॉन पीई, वन अपॉन क्यू ई, वन अपॉन एफ ई, वन अपॉन पीई। रिमेंबर दैट आईपीस का इमेज माइनस में लेना है, आईपीस का इमेज याद आया? दोनों चीजें एलसीएम ले ली, 40 40 कैंसिल, बचा 250 250 250 कैंसिल, बचा 40, ऊपर बचा 210, नीचे बचा 10,000। एफ ई बराबर उल्टा कर दो, 10,000 डिवाइड बाय 210। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितनी आई? 34.48 34.48। आप पुट करो वन में, वन थी क्यू नॉट अपॉन 12, 250 अपॉन एफ ई प्लस वन, यही थी ना? हमें ये क्यू नॉट और एफ ई नहीं पता था, तो क्यू नॉट आया 60, टू फिफ्टी अपॉन 34.48 प्लस वन, 12 12 5 60, ये आया 5। बेटा 250 को 34.48 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? क्या गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने? बड़े अफसोस की बात है भाई, बहुत अफसोस की बात है। मशीन रख के गलतियां कर रहे हो, मशीन रख के गलतियां कर रहे हो, शर्म तुमको मगर नहीं आती।